सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो नमस्ते दोस्तों, आज सभी का हमारे और अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। तो गाइज, ओमर शीट को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ओमर शीट में गलतियां कर ली है और बच्चों को ये टेंशन हो रहा है कि मेरी ओमर रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगी, मेरा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। बच्चों को इसको लेकर काफ़ी डाउट है। तो गाइज, इसका आंसर तो मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा, बट उससे पहले मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपने ओमर में क्या गलती कर दिया कमेंट। तो गाइज, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ओमर के अंदर आपकी कोई भी मिस्टेक हो, चाहे आपका रोल नंबर गलत है, चाहे आपका स्कूल कोड गलत है, चाहे आपका सेंटर कोड गलत है, चाहे आपने बबलिंग में मिस्टेक कर दी, चाहे आपने कटिंग कर दी, ओमर के अंदर कोई भी गलती है, उसकी वजह से, आपकी गलती की वजह से आपकी जो आंसर शीट है या फिर ओमर शीट है वो रिजेक्ट नहीं होगी। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। ओमर कंप्यूटर से चेक होती है, अगर कोई चीज़ गलत पकड़ी जाती है उसको अपना आप टीचर सही कर लेता है, आपके नेम से, आपके फादर नेम से, आपके रोल नंबर से, जिससे भी उन्हें डाटा मिलता है वहाँ से वो डाटा निकाल के अपना वो मिस्टेक को सही कर देते हैं। तो गाइज, आप लोग टेंशन मत लो, CBSE का या फिर XYZ किसी भी बोर्ड के आप बच्चे हो या फिर कोई भी आपने एग्ज़ाम दिया है, अगर आपकी ओमर में कोई भी मिस्टेक हुई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओमर की मिस्टेक इग्नोर कर दी जाती है, क्योंकि हर कोई समझता है यार एग्ज़ाम देने बच्चा है, टेंशन हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उस वजह से आपकी ओमर शीट रिजेक्ट नहीं होगी। तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। आप अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी तो। अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सिंगापुर सेफ रहो।